नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दूरदर्शन पर श्री कृष्णा का प्रसारण शुरू हो चुका है और रामायण की तरह ही दर्शक इस धारावाहिक को उतना ही प्यार दे रहे हैं। नारद टीवी ने आप सबको रामायण के लगभग सभी कलाकारों से रूबरू कराया, जिस पर आप सभी दर्शकों ने काफी प्यार दिया। इसी बीच नारद टीवी ने अपना नया सेगमेंट शुरू कर दिया है श्री कृष्णा के कलाकारों को लेकर। इस श्रृंखला में ये हमारा दूसरा एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम आप सबको रूबरू कराएंगे एक बेहद ही प्रतिभाशाली अभिनेता सुनील पांडे से। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी तो आप सबको पता ही होगी। जब कंस के अत्याचारों को समाप्त करने और इस धरा पर शांति की स्थापना के लिए भगवान विष्णु वसुदेव और देवकी के आठवें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। वसुदेव का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है, जिसमें साधु के वेश में एक इंसान अपने सर पर टोकरी उठाए, जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, मूसलाधार बारिश में उभनती नदी के बीच से चला जाता है। इसी दृश्य को श्री कृष्णा धारावाहिक में जीवंत करने वाले अभिनेता हैं सुनील पांडे, जिन्होंने श्री कृष्णा धारावाहिक में निभाया है वसुदेव का किरदार। 28 अगस्त 1960 को बिहार के चंपारण में जन्मे सुनील पांडे के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई 80 के दशक की कालजयी फिल्म नदिया के पार से, जिसके बाद इनका फिल्मी करियर चल पड़ा और बॉलीवुड के साथ साथ इन्होंने क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में भी खूब काम किया। साथ ही साथ इन्होंने श्री कृष्णा और अलिफ लैला जैसे धारावाहिकों में भी कई यादगार भूमिकाएं निभाई। एक दिलचस्प बात यह है कि सुनील जी एक अभिनेता के साथ साथ एक मशहूर डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ इंडियन की हिंदी डब फिल्मों में आपने इनकी आवाज को भी खूब सुना होगा। आइए आगे की कहानी सुनील जी से जानते हैं और सुनते हैं उनके निजी जीवन, फिल्मी करियर और श्री कृष्णा की शूटिंग के समय की कुछ दिलचस्प बातें। नमस्कार, नारद टीवी के सभी दर्शकों को सुनील पांडे का प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इन दिनों लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। ऐसे समय में हमें अपने घरों में रहना है, अपने परिवारजनों के साथ अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखना है, बच्चों को, बुजुर्गों को, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम अपनी आशाओं को, अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए आगे की बात शुरू करते हैं, कुछ मजेदार, दिलचस्प पुरानी यादें। मेरा जन्म बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया शहर में हुआ, 28 अगस्त 1960 को। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मणिभूषण पांडे जी है, मेरी माताजी का नाम शांति देवी है। हम एक जमींदार परिवार से थे, हालांकि जमींदारी तो खत्म हो गई। पिताजी हमारे एक सरकारी मुलाजिम थे। हम दो भाई दो बहन हैं। मेरे बड़े भाई साहब का नाम राकेश पांडे जी है, मेरी दो छोटी बहनें हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, सबके अपने अपने परिवार हैं, सब अच्छे से खुशहाल हैं। मेरी शिक्षा शुरुआत में बेतिया शहर में ही हिलेरियन अकेडमी स्कूल से हुई, उसके बाद मैं राज हाई स्कूल से अपना हाई स्कूल पास किया, फिर मैं महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय से बेतिया से ही अपना ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद बंबई आ गया। फिल्मों का शौक मुझे जैसा सबको होता है बचपन से ही था। बचपन से ही मैं गानों में, डिबेट्स में, हर तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेता रहता था, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। फिर धीरे धीरे उसकी रुचि इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरे पिताजी ने बोला, क्यों नहीं जाके बम्बई ही अपना भाग्य आजमाइश करते हो। उनकी असीम कृपा रही, उनका अपार सहयोग रहा, उनकी हौसला अफजाई रही, उन्होंने मुझे बम्बई भेजा। मेरा तो बम्बई में कोई भी नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री क्या होती है इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मगर फिर भी माँ बाप के आशीर्वाद की बदौलत मैं यहाँ आ गया अपने भाग्य को आजमाने के लिए। और फिर शुरू हुआ एक संघर्ष का सिलसिला जो सबके साथ होता है, मगर ये विश्वास था मेरे पीछे मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे स्वजनों का आशीर्वाद है, मेरी मेहनत, मेरी सच्चाई है, एक न एक दिन कुछ न कुछ गुल तो खिलेगा ही। बस इसी विश्वास के साथ मैं कूद पड़ा इस संघर्ष में। जब मैं बंबई आया तो मैं नाटकों में काम करने लगा। शुरुआत के दिनों में तो मुझे बैक स्टेज करना पड़ा, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, एक्टरों के कपड़ों की सफाई करना वगैरह वगैरह। पृथ्वी थिएटर पे
या और दूसरे भी कई नाटक गृह हैं, वहां पे हम लोग काम करते थे। मगर मजा आता था, अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे जो हमारे निर्देशक थे उन्होंने मुझे रोल देना शुरू किया। पहले छोटे छोटे चरित्र दिए, फिर बड़े बड़े रोल दिए और फिर ये नाटक का सिलसिला शुरू हुआ। उन्हीं दौरान श्रद्धेय श्री गोविंद मुनीश जी से मेरी मुलाकात हुई। गोविंद मुनीश जी मेरे गुरु भी हैं। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे जांचा परखा और कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ राजश्री प्रोडक्शन के लिए, अगर मैं वो फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हें उसमें ज़रूर काम दूंगा। मैंने कहा ये तो आपकी असीम कृपा होगी। उस फिल्म की शुरुआत हुई नदिया के पार, याद होगा आप लोगों को, मेरी पहली फिल्म थी। गोविंद जी ने अपना वादा निभाया, उन्होंने मुझे उसमें काम करने का मौका दिया। मैंने उसमें सचिन के दोस्त का रोल किया था, दशरथ, वो जो ढोल बजाता है, सचिन को घाट पे नाव से पार कराता है, वही दशरथ मेरी पहली फिल्म थी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो, जोगी जी वाह, जोगी जी। जब तक पूरी ना हो तेरे साथ, जब तक पूरी ना हो खूब नाम हुआ, अच्छी शोहरत मिली और फिर धीरे धीरे फिल्मी जीवन का सिलसिला शुरू हो गया। नदिया के पार के बाद मुझे एक और फिल्म मिली, उसका नाम था अपना भी कोई होता। उसमें मेरी हीरोइन थी कविता ठाकुर, उसके प्रोड्यूसर थे श्री धर्मपाल गुप्ता जी और डायरेक्टर श्री गिरीश रंजन जी। गिरीश जी पटना के रहने वाले। फिल्म का नाम है अपना भी कोई होता। अपना भी कोई होता एक टीनेज लव स्टोरी थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म। आप देखेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो फिल्म बनने के बाद समय पे रिलीज नहीं हो पाई, कुछ व्यवसायिक कारणों की वजह से। जरा प्यार के सफर में मेरी जान निकल के देखो, मेरा हाथ थाम लो तुम, मेरे साथ चल के देखो। खैर, जो भाग्य में था, जो भाग्य में होता है, वही आपको मिलता है। शायद वो फिल्म समय पर रिलीज हो जाती तो कैरियर कुछ और होता, मगर मुझे इसका कुछ मलाल नहीं है। इस फिल्म इंडस्ट्री ने जो भी मुझे दिया है, जितना भी दिया है, मैं संतुष्ट हूँ पूर्ण रूप से। मैं क्या लेकर आया था, मेरे पास था ही क्या। आज जो कुछ भी हूँ यहीं की बनस्पत तो हूँ। फिर अपना भी कोई होता के बाद मैंने अपना रुख क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की तरफ कर लिया। राजस्थानी की फिल्में की, गुजराती की फिल्में की, भोजपुरी की फिल्में की। राजस्थानी में मेरी कई हिट फिल्में रहीं, सावन डी तीज, ननद भौजाई, बेटी राजस्थान की वगैरह वगैरह। राजस्थानी में मशहूर अभिनेत्री सरला अवलेकर जी के साथ में सासरियो सोनानी खान, भोजपुरी की बहना तोरे खातिर या बिटिया चलल ससुराल, ये सब फिल्में। तो इस तरह से मेरा क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की तरफ जुड़ाव हो गया और मैं वहाँ के फिल्मों में काम करने लगा। उन्हीं दौरान हम एक फिल्म कर रहे थे राजस्थानी की, बेटी राजस्थान की। उनमें मेरे जो दूसरे साथी कलाकार थे उसमें एक अरुण भाई भी हीरो थे, अरुण गोविल जी। अरुण गोविल जी से जब हमारा संपर्क बना, जब हम लोग साथ में काम किए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक धारावाहिक बना रहा हूँ, मशाल नाम है उसका, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें एक रोमांटिक लीड है, वो करो। मैंने कहा भाई नेकी और पूछ पूछ, आप बताइए कब आना है, कब से शूटिंग करनी है। बोले मैं बताऊंगा। हम लोग जयपुर में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ से हम लोग मुंबई आए। कुछ दिनों के बाद में उनका फ़ोन आया मेरे पास, उसकी तैयारी हो गई है, शूटिंग शुरू करनी है, आके मिलो। मैं अरुण भाई के घर पे गया, हमारी बातचीत हुई और मशाल सीरियल में काम करने लगा। मशाल धारावाहिक दूरदर्शन पे आप लोगों ने संभवतः देखा भी होगा, उसके निर्देशक थे रमेश तलवार जी। तो यूं धारावाहिक में आने का मेरा सिलसिला बना। कृष्णा सीरियल मुझे कैसे मिला, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी फिल्मी है। पापा जी ने बोला भी कल से एक नए सीरियल की शूटिंग शुरू हो रही है, अलिफ लैला, और आप उसमें काम कर रहे हैं, आप कल से शूटिंग करेंगे उसकी।